और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर अब तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सीट के बंटवारे पर अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पार्टियों के बीच लगातार खींचतान चल रही है। इसी बीच यह बड़ी खबर सामने आई है कि सपा और कांग्रेस के बीच आम सहमति बनते हुए दिखाई दे रही है। सपा ने कांग्रेस को एक और सीट ऑफर की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस सूबे में इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से सपा संपर्क में है। कांग्रेस को गाजियाबाद के बाद फूलपुर विधानसभा सीट भी मिल सकती है। सपा के इस ऑफर के बाद कांग्रेस इस मसले पर मंथन करेगी, जिसके बाद वो अपना फैसला लेगी। इससे पहले सपा की ओर कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर किया गया था, जिसमें गाजियाबाद और खैर शामिल थे, जबकि कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग करती आ रही है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो जिस तरह से खींचतान की खबरें लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आ रही थी सीटों के आवंटन को लेकर, क्या अब यह समझा जा सकता है या अंदेशा लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर अब रोक लग गई है और अब फाइनली वो एक ऐसे फॉर्मूले पर राजी हो सकते हैं जिससे वो मिलकर के यूपी विधानसभा के उपचुनाव लड़े? आदित्य कुणाल, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार पहले से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले से कर दिया था। ऐसे में महज 2 सीटें कांग्रेस के लिए उन्होंने छोड़ी थी, और जो 2 सीटें छोड़ी गई थी, आप ये कह सकते हैं कि जो गाजियाबाद की सीट छोटी थी, उस पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और आज से नहीं एक लंबे समय से है। खैर सीट की अगर बात करें तो उसका भी भाजपा जीतती रही है, तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, कितनी हार्ड सीटें थी, कितनी कठिन सीटें थी, कांग्रेस को उसको जीतना मुश्किल था। और यही कारण है कि कांग्रेस की इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई थी कि एक तरफा फैसला लेते हुए 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, 2 सीटें कांग्रेस के लिए हालांकि छोड़ी गई थी। एक वक्त यह भी आया जब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि वो सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को देने को तैयार है, और वो सिर्फ क्योंकि गठबंधन की बात है इसलिए वो उसको पूरा समर्थन करेंगे। इसको आप हार के तौर पर कांग्रेस की जरूर देख सकते हैं कुणाल, क्योंकि कांग्रेस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे पुरानी देश की वो बड़ी पार्टी है और उसका अपना जो सिंबल है वो स्वाभाविक रूप से घर घर तक, जन जन तक उसकी पहचान है। बावजूद इसके जो जनाधार है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वो काफी कम है, काफी कमजोर है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एक पूरा रोल अदा कर रही है, किस तरह से वो जिस तरह से उसने अपने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि सभी की सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी अपने सिंबल से लड़ेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।